हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आ गई हूँ मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं एक बुक का प्रिंट आपके सामने है, जहाँ पे लिखा गया है दोस्तों रोमेंट ऑफ द रोज, जो कि वन ऑफ अ पॉपुलर वर्क है जियोफिली चौसर का। और आप जानते हैं ये जो सबसे पहला पीरियड था चौसर का, फ्रेंच पीरियड, उसके तहत लिखा गया उनका वर्क है। तो आइए इसे देखना शुरू करते हैं। एकदम इसके मेन पॉइंट्स पे आने से पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये सबसे पहला पीरियड है फ्रेंच पीरियड चौसर का, जिसको ये बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली फ्रेंच वर्क से, फ्रेंच राइटर से इंस्पायर होते हुए ये वर्क लिखा गया होगा, राइट। और इस फोटो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं ना, फूल बने हुए हैं, एंड इवन देयर इज मैंशनिंग ऑफ दिस वर्ड रोमेंट ऑफ द रोज। रोज बोले तो गुलाब का फूल, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, या मैं यूँ कहूँ तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, सॉरी मैं रुक गई, शायद मैं इतने दिल से खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, इतने दिल से मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि कोई गुलाब की तरह सुंदर है। सो फूल यहाँ पे बने हुए हैं, रोज़ का यहाँ पे मेंशन है। तो इससे पहले कि मैं वर्क शुरू करूँ, दो बातों का ध्यान रखें। फ्रेंच पीरियड का वर्क के चौसर का है, तो दिखती सी बात है फ्रेंच राइटर, फ्रेंच वर्क से संबंधित ये वर्क होगा, वहाँ से आइडिया इंस्पायरेशन ली गई होगी। और दूसरा, क्योंकि इसमें गुलाब है तो इसमें रोज़ को मेंशन किया गया है, और आप जानते हैं रोज़ को इस वर्क में सिंबल की तरह मेंशन किया गया है। सिंपल क्या होता है बोले तो, मैं सिंपल कहूँ तुम खूबसूरत हो, सुनने को अच्छा लग रहा है, या मैं दूसरा कहूँ तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो दूसरे में इट्स लाइक आई एम कंपेयरिंग विद रोज़, मैं गुलाब से उसको कंपेयर कर रही हूँ। तो वो जो दूसरी वाली कंडीशन है, दैट इज़ सिंपल, जब आप डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहते हैं, किसी से कंपेयर करते हुए अपनी बात कहते हैं। तो दो बातें तो शुरू में ही बता डाली मैंने आपको, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, रोमेन डीला रोज, ये बेसिकली एक फ्रेंच पोएम थी जिसका नाम था रोमेन डीला रोज, उसकी ये जो है ट्रांसलेशन है। सो रोमेन ऑफ द रोज लिखी चौसर ने, तो बेसिकली एक ये फ्रेंच पोएम थी जिसका नाम था रोमेन डीला रोज, उसकी ये ट्रांसलेशन है। तो बेटा ये तो होना ही था, फ्रेंच पीरियड का वर्क है तो ऑब्वियसली किसी फ्रेंच वर्क से इंस्पायरेशन होगी। तो फ्रेंच पोएम है रोमेन डीला रोज, उससे इंस्पायर होके ये वर्क लिखा गया है। दूसरा, आपको पता है ट्रांसलेशन तो ये है, ठीक है, पर इसमें 1700 लाइंस ट्रांसलेट की गई है। ओ माय गॉड, 1700 लाइंस, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। माना आप फ्रेंच वर्क से इंस्पायर हो, आप उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हो, पर इतनी इंस्पायरेशन किसी जिल वाले पर्सन में ही हो सकती है कि उसने 17 लाइंस ट्रांसलेशन में आपको दे दी है। और दोस्तों ये एक एलिगरिक पोयम है, ठीक है। एलिगरिक का मतलब क्या होता है, एलिगरिक का मतलब होता है डबल मीनिंग से चीज़ें देखना, ठीक है। या मैं दूसरा यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी, जैसे हाँ एग्जांपल लेते हैं, कपिल शर्मा का शो आपने देखा है ना, कपिल शर्मा के शो में जब डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, वैन दे से समथिंग, जब वो कुछ कहते हैं, तो वो जो कुछ कहते हैं वो तो हमें समझ आता है, पर उसके कहने के पीछे जो है वो भी समझ आता है ना, यानी कि कहाँ कुछ गया है, बंदूक कहीं और ताने हुए हो, निशाना कहीं और छूट रहा है, दैट इज एलिगरिक। एलिगरी मीन्स डबल मीनिंग सेइंग, जब आप कहते कुछ हो पर मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है। पर यहाँ पर ऐसा कैसे है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने रोज का बहुत यूज किया है, और रोज का यूज किया है हमने एज अ सिंबल, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, खूबसूरती को बताने के लिए, ठीक है। यानी कि इस पोएम में जब जब ब्यूटी यानी कि खूबसूरती का जिक्र होगा, तो हम ब्यूटी नहीं कहेंगे, हम रोज़ कह देंगे। जैसे ही रोज़ यानी कि गुलाब कहेंगे, ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि खूबसूरती की बात हो रही है। तो हुआ ना एलिगरिक वर्क, कहा कुछ जाए मीनिंग कुछ और निकल के आए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, ये हर एक पॉइंट एमसीक्यू है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्या आप रोबोट ऑफ द रोजबर्ग को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं या इसके अलावा जो और वर्क भी हैं इनके उन्हें जानना चाहते हैं, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ में अगर आप NTA के एस्पायरेंट हैं तो जस्ट अभी हमारे ऐप पॉकेट फ्रेंडली, इंडिया के पहले पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट पढ़ाई ऐप को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर NTA पे कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऐसे ही हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते। डेमो तो आपको क्लास से मिल गया है ना, और हाँ साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी साथ में ही मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वारी हो पढ़ाई को लेकर तो ज़रूर संपर्क करिए, हमारी टीम हाजिर है आपकी सेवा में। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। मिलते हैं इसी खुशहाली और प्यार के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर।